वेलकम स्टूडेंट। अब हम देखते हैं, इससे पहले लास्ट वाले जो वीडियो था उसके अंदर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों के प्रकार। देखिए आपके सामने यहाँ पे सिक्स टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर सहकारी समिति, सेकेंड उत्पादक यानी प्रोड्यूसर सहकारी समिति, थर्ड है मार्केटिंग यानी विपणन सहकारी समिति, फोर्थ किसान या फार्मर्स सहकारी समिति, ठीक है। नेक्स्ट साख, जिसे हम इंग्लिश क्रेडिट भी कहते हैं, उधार सहकारी समिति, और फिर है सहकारी आवास या हाउसिंग सोसाइटी समिति, ठीक है। तो अभी हम इन सिक्स टाइप्स ऑफ सहकारी समितियों के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। देखिए जो भी सहकारी समितियों के अंतर्गत जो नाम हैं इसी के अकॉर्डिंग इनके काम है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है उपभोक्ता सहकारी समिति, कंज्यूमर सहकारी समिति क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए यह समिति क्या करती है कि ये जो छोटे छोटे जो उत्पादक हैं, सबसे पहले तो इसके क्रिएटर्स कौन हैं, कंज्यूमर्स हैं। अब वो कंज्यूमर्स कौन हैं, जो कि पीड़ित हैं किससे, ब्रोकर से, दलालों से, ठीक है, छोटे मोटे जो अन्य जो रिटेलर्स हैं उनसे। तो वो क्या करते हैं, आप खुद ही आपस में मिलके जो है एक तरह से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। और उसके द्वारा इसके जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, स्वयं कंज्यूमर्स ही होते हैं, ठीक है। और जो कि क्या करते हैं कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है यानी ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है, रिमूव चैनल्स। अब चैनल्स मैंने आपको बताया कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं। तो ये क्या करता है, इस चैनल्स को हटा देता है, सीधे प्रोड्यूसर्स या जो लार्ज लेवल का जो होलसेलर है उससे ही माल को परचेस करता है और अपने सदस्यों को कम रेट के ऊपर जो है वो माल उपलब्ध करवाता है, जिससे कि जो है बीच के अंदर जो मार्जिन था यानी जो भी उनको अन्य जो चैनल से वो जो प्रॉफिट उठाते थे वो प्रॉफिट ख़त्म हो जाए और वो सीधा प्रॉफिट किसे मिले, कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो यहाँ तक। इसके अलावा जो सेकंड इसका एक और ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्रोवाइड गुड्स क्वालिटी गुड्स, अच्छी क्वालिटी के माल उपलब्ध करवाना, इसकी मुख्य एक तरह से उद्देश्य और होता है, ठीक है। और इसका जो बेसिक जो फंक्शन है वो क्या है, परचेज ऑन ए लार्ज स्केल, ये क्या करता है, बड़ी मात्रा के ऊपर माल परचेज करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एक और है, स्केल फ्रॉम होलसेलर, और बाद में किससे बेचता है, ये किससे बचाता है खुद को, अपने आप को होलसेलर से, ठीक है। जो होलसेलर के बीच में जो मार्जिन था उनके द्वारा जो जिस प्रकार से भी उनको लूटा जाता था इन कंज्यूमर्स को, वो कहीं ना कहीं पे अब समाप्त हो जाता है इस कंज्यूमर्स के द्वारा, ठीक है। तो अब इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, एक तो मध्यस्थों को हटाता है, ठीक है, और इसके अलावा ये वस्तुओं की जो लगातार जो पूर्ति होती है उसको भी सुनिश्चित करता है और अच्छी क्वालिटी के माल उपलब्ध करवाता है, ठीक है। तो उपभोक्ता कंज्यूमर सोसाइटी अब तक तो आपको क्लियर है। नेक्स्ट उत्पादक या प्रोड्यूसर सहकारी समिति, देखिए इसका ये भी इसके नाम के अकॉर्डिंग, इन समितियों की स्थापना कौन करता है, जो छोटे छोटे जो उत्पादक हैं जो उत्पादन सामग्री की प्राप्ति व उत्पाद की बिक्री में कठिनाई महसूस करते हैं, यानी जिनको प्रोडक्ट खरीदने में और जो और प्रोडक्ट की जो प्राप्त करने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो इसके जो क्रिएटर्स हो गए वो कौन हो गए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम टू परचेज द गुड्स एंड टू गेट दी मटेरियल, ओके। नेक्स्ट इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, क्या ये क्या करता है कि उत्पादन जो सामग्री है यानी जो प्रोड्यूसिंग की जो मटेरियल है, जैसे रॉ मटेरियल हुआ, उसके अंतर्गत इक्विपमेंट्स हुए, उपकरण हुए, ठीक है, वो क्या करता है, इनको प्रोवाइड करवाता है, ओके। और इसके बाद में इसके जो इसके अलावा क्या करता है, इसको जो माल है उसको बेचने के लिए भी वो मदद करता है, हेल्प इन सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। और ये माल किसको बेचता है, उसके मेंबर्स को ही, ठीक है। तो ये भी आपको अब तक समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप बेसिक फंक्शन इसके क्या है, टू परचेज वो मेंबर्स रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट्स, ये क्या करता है कि अपने जो सदस्य हैं उनके लिए क्या करता है, कच्चा माल खरीदता है, उससे संबंधित उपकरण खरीदता है, किस अपने मेंबर्स को उनको बेचता है फिर, और नेक्स्ट कम दाम पे, और नेक्स्ट टू सेल अदर्स एंड परचेज फ्रॉम परचेज फॉर मेंबर्स, यानी जो ये क्या करता है
कि जो अन्य लोगों को भी जो है माल बेचता है और उस सदस्यों से उस माल को किराया करता है, यानी कि ये अन्य लोगों को भी माल बेच सकते हैं और खरीदेंगे किससे, मेंबर्स से। तो जो प्रॉफिट होगा फिर वो प्रॉफिट क्या बटेगा मेंबर्स के बीच में, ठीक है। और इसके अंतर्गत और अब इसके बाद में अब हम देखते हैं थर्ड विपणन मार्केटिंग या विपणन या जैसे मार्केटिंग सहकारी समिति या मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये इसके भी इसके नाम के अकॉर्डिंग ये काम करता है। ये क्या करता है, इसके कौन है, क्रिएटर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स यानी छोटे उत्पादक और दस्तकार जो अपने उत्पादन को अकेले बेचने में प्रॉब्लम फेस करते हैं और उचित लाभ में उनको वो चीज़ वो बेच नहीं पाते हैं, ठीक है। अब जो इसके जो सदस्य हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक तरह से बाजार, एक तरह से नियमित बाज़ार उपलब्ध करवाते हैं। क्या करवाते हैं, कंटिन्यूटी वाला मार्केट। और इसके अलावा जो सदस्यों को जो मध्यस्थों से जो शोषण होता है उससे भी ये उसको बचाते हैं, ठीक है। जो सबके पॉइंट्स कहीं ना कहीं पर यही आते हैं कि जो मध्यस्थ हैं उनसे बचाया जाता है क्योंकि इनकी स्थापना भी उसी के लिए होती है, ठीक है। तो जो विपणन है, विपणन के अंतर्गत क्या होता है कि इसके सदस्य वही होते हैं जो अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर माल को बेच नहीं पाते हैं या उचित मूल्य वसूलना चाहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रत्येक सदस्य है वो क्या करता है कि उत्पाद को जो प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद में उसको जो माल जो है जो उसको बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और उसकी पैकेजिंग और एक्सेट्रा, मतलब उसका परिवहन, भंडारण, उसकी पैकेजिंग, इन सब के काम को वो आदि काम को कौन करता है, विपणन या मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। यहाँ तक ये भी तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए, फर्स्ट था उपभोक्ता, सेकेंड उत्पादक और थर्ड था विपणन यानी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केटिंग। और ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, किसान या फार्मर सहकारी समितियाँ। अब इसके नाम आ गया जब किसान का, तो इसके जो मेंबर्स होंगे वो भी कौन होंगे, किसान, ठीक है। इसमें जो किसान होंगे वो कौन होंगे, छोटे छोटे जो किसान हैं वो इसके मेंबर्स होंगे, क्रिएटर्स, स्मॉल फार्मर्स। अब ये जो किसान हैं वो क्या करते हैं, देखिए कि इनका जो गठन है वो किसानों को उचित मूल्य के ऊपर, जो छोटे किसान हैं वो क्या करते हैं कि इसका जो स्थापना करते हैं वो क्या करते हैं, ताकि जो उनको जो है छोटे छोटे जो किसान हैं वो मिलकर एक तरह से बीज हुआ, खाद हुआ, मशीन हुए, इक्विपमेंट्स हुए, टेक्नोलॉजी हुई, उनको वो क्या करती हैं, परचेस करती हैं, ठीक है। और परचेस करके उनका यूज़ कौन करता है, यही फार्मर्स करते हैं, ताकि अपने जो बिजनेस, अपना जो फार्मिंग है उसको वो अच्छे इक्विपमेंट्स दे सकें, अच्छी खाद दे सकें, अच्छे बीज दे सकें और अच्छे प्रोडक्शन के ऊपर उनको अच्छा लाभ हो, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से मुख्य उद्देश्य होता है, टू गेट लार्ज स्केल एग्रीकल्चर फॉर्म्स एंड सीड्स, फर्टिलाइजेशन, मशीनरी, टेक्नोलॉजी और एंड एसेक्ट्रा, ठीक है। तो इस आ गया यहाँ पे, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बड़े पैमाने पर कृषि का जो है लाभ उठाना और उत्पादकता को बढ़ाना, ठीक है। और ऐसी समितियाँ फसलों को उगाने के लिए जो है क्या करती है, गुणवत्ता वाले बीज खरीदती है, खाद खरीदती है, मशीनरी खरीदती है, तकनीकें खरीदती है, जो इससे न केवल किसानों की जो पैदावार है वो बढ़ती है बल्कि उससे जो खंडित जो उसके जो खेत हैं है ना, उससे संबंधित समस्याओं का भी हल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये फोर्थ पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है साख। साख का मतलब आपको पता ही है, उधार, ठीक है, आधार नहीं, उधार, हिंदी में भी लिख देता हूँ उधार, सहकारी समिति। अब इसके क्रिएटर्स कौन होंगे, उधार कौन लेता है, एक सामान्य व्यक्ति लेता है, तो इसके जो क्रिएटर्स हैं वो सामान्य लोग हैं, जनरल पीपल्स हैं, और जिनके पास में जो है तो है फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं यानी कि वित्तीय साधन लिमिटेड है। इनका जो ऑब्जेक्ट है, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, टू प्रोवाइड लोन ऑन ईजी वे, अपने ही सदस्यों को ईजी तरीके से लोन को या ऋण को उपलब्ध करवाना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लोन बड़े बड़े जो अदर जो तरीके हैं, सोर्स हैं जो लोन के हैं पैसे लेने के, उनके अंदर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, उसके अंदर कई बार संपत्तियां भी गिरवी रखवानी पड़ती है, लार्ज अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है, ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इस समस्या से निदान पाने के लिए, उपचार के लिए जो है व्यक्ति, सामान्य लोगों ने क्या किया, एक तरह से उधार, मतलब साख सहकारी समितियों की स्थापना करी, ठीक है।
इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, टू प्रोवाइड लोन ऑन इजी वे, आसान तरीके से लोन को प्रोवाइड करवाना। इसके जो बेसिक जो फंक्शंस है वो क्या है, टू डिपॉजिट सेविंग्स, ये क्या करती है कि बकायदा बचतों को भी क्या करती है, डिपॉजिट जमाएँ करती है, और टू गिव लोन ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड ईजी रूल्स, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कम लाभ ब्याज दर पर जो है ऋण उपलब्ध करवाना, और सरल तरीक़ों से, यानी कि ज़्यादातर ज़्यादा फॉर्मेलिटीज जो हैं वो ना हो, और उनके जो सदस्य उनको इजी वेब के ऊपर लोन मिल जाए, ठीक है। और इसका जो मुख्य जो जो कारण है इसका स्थापना का, फॉर्मेशन का, वो क्या था कि साहूकार जो है, ठीक है, मनी लेंडर्स जो हैं उनसे छुटकारा मिलाना, उनसे छुटकारा दिलाना, ताकि जो है वो लोग जो हैं जिस प्रकार से किसान, उनको किसान मान लीजिए, व्यक्ति मान लीजिए, उनको जो लूटते हैं, उनके ऊपर ब्याज दर ज़्यादा लगाते हैं, उन सबसे छुटकारा दिलाने का मुख्य कारण कि इसकी स्थापना है, ठीक है। और इसके अलावा जो सदस्य हैं उनके अंदर ये क्या करता है, बचतों यानी सेविंग्स को भी प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और इसके इन समितियों के कोष के अंतर्गत क्या होता है, तीन स्रोत होते हैं। अब कौन कौन से, यानी कि इसके अंदर पैसा कहाँ कहाँ से आता है, एक तो अंश पूंजी यानी जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, जो सदस्यों की होती है, और इसके अलावा जो सदस्यों द्वारा जमा किया गया कराया गया धन, और बाहरी लोगों द्वारा भी इसके अंदर धन जमा कराया जाता है, ठीक है। तो ये फिफ्थ पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सहकारी आवास समितियां। अब आवास आ गया या हाउसिंग शब्द आ गया तो समझ में आ रहा है कि जो भी व्यक्ति हैं वो मिलकर क्या करना चाहते हैं, अपने एक रिहायशी मकान की जो तमन्ना है, जो आरजू है, वो पूरी करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि इसके अंदर भी जो इसके क्रिएटर्स हैं वो कौन है, जनरल पीपल्स ऑफ हु वांट्स हाउस, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको तमन्ना है, जिनकी आशा है अपना खुद का घर होने की, या अपने और भी व्यक्ति जितने भी सदस्य उनका खुद का एक उम्मीद होती है कि हमारा घर हो, तो वो आपस में एक तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ की स्थापना करते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रोवाइड मेंबर्स हाउस एंड प्लाट्स, यानी कि वो क्या करते हैं, अपने ही मेम्बर्स को क्या है कि हाउस हुआ, प्लाट्स हुआ, ठीक है, फ्लैट्स हुए, ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, परचेज लैंड, ये क्या कहता है, ज़मीनें भी खरीदता है, डेवलपमेंट ऑफ लैंड, उन भूमियों का, उनका ज़मीनों का विकास भी करता है, टू मेक हाउसेज, गृह निर्माण या भवन निर्माण भी करता है, और अलॉटमेंट हाउसेज टू मेंबर, और अपने सदस्यों को उनको मकान भी आवंटित करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको ये सब पॉइंट समझ में आएंगे, और इसके अलावा ये मतलब मेन जो बेसिक पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, ये अपने व्यक्तियों को, सदस्यों को रिहायशी मकान और या प्लाट उपलब्ध करवाता है। अब ये क्या करती है, ये समितियाँ कहाँ होती है, ये समितियाँ ज़्यादातर कहाँ होती है, बड़े बड़े शहरों के अंदर, यानी सहकारी हाउसिंग समिति तो आपको पता है, हाउसिंग समिति तो है वो बड़े बड़े शहरों के अंदर ही होगी, और इन्हें जो है भूमि जो है वो भी किस रेट के ऊपर मिल जाती है, सहकार के द्वारा भी कम रेट के ऊपर मिल जाती है। इसके अलावा समितियों के मकानों में प्राय इस प्रकार की जो समितियों के जो मकान होते हैं, जो फ्लैट्स होते हैं, उनके अंदर प्राय यानी बेसिकली जो नई जो तकनीकें हैं, आधुनिक जो जितने भी मॉडर्नाइजेशन है वो मिलता है, ठीक है। और कुछ सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को मकान बनाने के लिए सस्ती दर पर ऋण भी उपलब्ध करवाती है, तो इस प्रकार की जो समितियाँ वो क्या करती है, उनको ऋण भी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो अब तक आपने जो मेरे द्वारा बताई गई ये जो छः जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं आपने इनको पढ़ा, अब आपको ये समझ में भी आ गया होगा, जैसा नाम वैसा काम। तो आप लोग इसके अंदर इनके क्रिएटर्स, ऑब्जेक्ट और बेसिक फंक्शन से उनको आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं, और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसका आप वेट कीजिए, और इसको आप अपनी बुक्स में पढ़िए और